हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। और गाइस स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस, आर्क सर्वाइवल इवोल्व का, आर्क सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का। सो गाइस, आर्क सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो गाइस यहाँ पे पिछला एपिसोड था उसमें तो तुम्हारे भाई ने मार दी थी खतरनाक सी विक्ट्री। और इस वाले एपिसोड में वैसे कुछ करने का प्लान जो है ना गाइस अभी तुम्हारे भाई का है। बाकी अभी आज का जो एपिसोड है ना गाइस वो यहाँ पे शुरू करने से पहले जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे, फटाफट से गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जो ना गाइस सब्सक्राइब जरूर से कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी गाइस आपको गेमिंग विद एनी और हमारे ब्लॉगिंग चैनल की, दोनों चैनल को गाइस जरूर से चेकआउट कर लेना। हमारा सुपर थैंक्स का ऑप्शन जो है ना गाइस वहां लॉग है। अगर आप लोग चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए थैंक्स के बटन पे जो कि लाइक शेयर और डिसलाइक के साइड में उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग चैनल को जो ना गाइस सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको आर्क पीसी, आर्क मोबाइल या किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर बनाने तो नीचे लिंक मिल जाएगा निट्राटो सर्वर का, जिसके ऊपर क्लिक करके आप लोग किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर आसानी से बना सकते हो। तो जरूर चेकआउट कर लेना निट्राटो सर्वर को भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। तो चले गाइस आज का ये वाला एपिसोड शुरू कर डालते हैं और देखते हैं गाइस कि आज जोन कहां पे आता है। भाई आजकल तो हम लोग गीगा और चारचा भी तो टेम करने लगे, और गाइस गीगा और चारचा के साथ गाइस हम जीतने भी लगे। बस एक मैच आ रहे थे चारचा के साथ जिसकी फाइट टाइटन से हुई थी, वो टाइटन वर्सेस चारचा में टाइटन ही हमेशा जीतता है गाइस, वो भी आखिरी जोन था, चारचा को खड़े रहने की भी जगह नहीं थी। चलो कोई ना, अभी देखते हैं गाइस कि जोन कहां पे आया। वैसे 11 बंदे टोटल खेल रहे, सो मे बी हम लोग जो है ना गाइस यहाँ पे, हाँ थोड़ा सा लैग होगा क्योंकि फर्स्ट गेम है भाई, ठीक है। सो हम लोग जो है ना, यार फार पिक नहीं है भाई जोन में। फ्रोजन टूथ पे भाई है, लेकिन भाई फ्रोजन टूथ पे मुझे भरोसा नहीं है गाइस बिल्कुल भी। भाई नहीं यार, मैं नहीं जा रहा हूँ गाइस फ्रोजन टूथ पे जो ना गाइस, मेरे को भाई इतू सा भी भरोसा नहीं कि फ्रोजन टूथ पे मुझे कुछ तो मिलेगा भाई, ठीक है। मेरे को भरोसा ही नहीं है बाबा, मैं नहीं जा रहा भाई फ्रोजन बिजन टूथ पे। भाई मैं फ्रोजन दूध पे भाई 10-12 बार उतराऊंगा, उसमें से एक या दो बार मुझे वहाँ पे भाई वो चार चाय गीगा मिला है, प्लस वो जोन में तो अभी भाई वहाँ पे काफ़ी सारी पब्लिक जो है ना गाइस उतरेगी वो अलग गाइस। इसलिए गाइस मैं ना फ्रोजन दूध पे अभी उतरने नहीं वाला। अपन लोग जो है ना गाइस यहाँ पे अपना थाइलो वाला गेम प्ले करते हैं आज गाइस, ठीक है। और थाइलो के साथ गाइस हम लोग एक आध बॉस भी स्टेम करने का भी काम कर लेंगे। ओके हाँ भाई, हाँ टप्पा मार गया भाई, 10 किलोमीटर दूर उड़ जाए इसके आग भाई, ड्रॉप आने में वैसे टाइम तो लग ही जाएगा। बाकी यहाँ पर कोई उतर ना जाए भाई इस ड्रॉप पर, और ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएंगी भाई, ठीक है। अबे यार नहीं यार, तुम लोग नहीं प्लीज, तुम लोग इधर नहीं आना प्लीज भाई। आलोचोरस गलती से भी अगर इस तरफ आए तो तुम्हारे भाई का गेम ना चालू होने से पहले ख़त्म हो जाएगा, ठीक है गाइस। गेम चालू होने से पहले ख़त्म हो जाएगा, प्लीज इधर नहीं आना यार, ड्रॉप जल्दी आ जा भाई। अबे ड्रॉप के बच्चे भेज के आ भाई, इतना टाइम लगता है तेरे को आने में नीचे। अबे आना जल्दी भाई, वो मार देंगे मेरे को आलोचोरस आए तो यहाँ पे, इसे तो आने के कोई चांसेस लग नहीं रहे उन लोग के। ड्रॉप लूट लिया मैंने, सेबर तो उधार है भाई, पट्टा से हेडशॉट, ठीक है भाई। एक को पेल डाल, नाइस वन, एक को डेम कर ले, नीचे का पर्पल और ऊपर वाला जो ना गाइस वो रेड ड्रॉप लूट गए। मैं थाइलो ढूंढने चलता हूँ क्योंकि गाइस अपने पास ना टाइम ही नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। क्योंकि गाइस यहाँ पे ना जोन चालू हो चुका है, आगे भी एक रेड है यार, आगे का रेड जो है ना गाइस वो ले लूँ क्या मैं, आगे वाला रेड भी ले लेता हूँ। बियर मिल गया गाइज, ये बियर को डेम कर लेता हूँ गाइज। बियर जो है ना गाइज, अगर थाइलो नहीं मिला तो बियर तो अपने काम आ ही जाएगा गाइज इजीली, तो इसलिए भाई बियर को जो ना गाइज अपन लोग गाइज यहाँ पे डेम कर लेते हैं। मैंने देखा बियर को भाई, बियर की तो बैंड बजी पड़ी है भाई यहाँ पे, पटाख से गाइज डेम कर लेता हूँ बियर को गाइज यहाँ पे, ठीक है। और बियर की बेचारे की मूवमेंट स्पीड भी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। मार डाल भाई, मार डाल, गेम बजा डाल भेज के किसका, ठीक है। मैं जा रहा हूँ गाइज आगे का रेड ड्रॉप लेने के लिए, ठीक है। उम्मीद कर लो यहाँ पे कोई मुझे थाइलो भी लो दिख जाए। कम ऑन ब्रदर, के यहाँ पे कोई थाइलो खोली हुआ है मेरे को भाई, रॉकेट लॉन्चर नहीं मिला अभी तक यार, इसमें से मिल जाएगा। मैं भी इसमें से कंपाउंड वो मिले वापस से मेरे को, और कुछ भी नहीं मिला यार। तेरी भैंस की आँख भाई, ये चिड़िया मार के भग तो ऐसे जाती है जैसे बहुत ज़्यादा बड़ा काम कर लिया है भाई इसने। है भाई मेरे को मार तो दिया, उसके बाद भाई भग तो ऐसे गए ना दौड़ दौड़ के जैसे कितना ज़्यादा बड़ा काम किया और कितना नहीं भाई। 700 मीटर दूर एक भाई बंदे ने ड्रॉप लूटा है, रुको गई था, अगर उसने ड्रॉप लूटा है तो उसकी मौत होना तो बनता है ना गाइस। मैं लेवल 1 कर लेता हूँ गाइस अपने बियर को, और भाई पहले तो किल उठाने के लिए जाता हूँ भाई, ठीक है। मैं जा रहा हूँ गाइस किल उठाने के लिए, क्योंकि वो बंदा जो है ना गाइस वो रेडवुड में ही है, ठीक है। मैं एक काम कर लेता हूँ, उसको लेवल 2 ही कर लेता हूँ, उसके बाद डायरेक्टली भाई किल उठाने के लिए निकलूंगा, ठीक है भाई। अबे यार ये दूर धकेल देता ना, मैं भूल गया भाई। ये भाई
थाइलो को दूर नहीं ढकेलता लेकिन बियर को जरूर से दूर ढकेल देता है। तो थोड़ा सा हाँ भाई नाइस वन। इजी बिजी भाई रिजेन डाल देता हूँ, मैंने लेवल वन का जिसको कर दिया है और मैंने रिजेन भी गाइस यहाँ पे डाल दिया है 117 पॉइंट्स। ठीक है गाइस रुको मैं ब्रोंटो बिंटो को मारता हूँ, ये बंदा मेरे को रेडवुड में जाते जाते मिल ही जाएगा गाइस। वैसे भी ये सामने की तरफ ब्रूड मदर भी है, रुको गाइस ये सारे ब्रोंटोज को मार के ना मेरी लेवल अप भी हो जाएगी और वहाँ पे एक्चुअली में एक ब्रूड मदर है, वो ब्रूड मदर भी जो ना कि हम लोग टेम कर पाएंगे गाइस। और ब्रूड मदर आपको बताइए गाइस की कितनी ज़्यादा खतरनाक वाली होती है यार, तो उसको टेम करना तो बनता है यहाँ पे। अबे भाग कहाँ पे रहा है, रुक भेज के भाग कहाँ पे रहा है, भाग कहाँ पे रहा है। हाँ तेरे मित्र को बोल ले इधर आ जा भाई, भाई 172 पॉइंट मिलते हैं आजकल ब्रोंटो को मार के। इधर आ भेज के भाई, ब्रोंटोज को मार के बहुत ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं, इसलिए गाइस ब्रोंटोज का जो ना गाइस गेम बजा रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है भाई दूर ढकेल रहा है यार ये, और मेरे पास इतना स्टैमिना नहीं बचा यार। रुको एक काम कर ले कि पिछवाड़े पे भाई ये मार दे भाई, आरो कंपाउंड पे मार देता हूँ गाइस। ठीक है इससे तो कैसे हाँ नॉकआउट हो ही जाएगा। वो जोन भी आ रहा है, मुझे पर्पल ड्रॉप लूटना है गाइस ऊपर वाला। ठीक है फटाफट से गाइस ऊपर वाला पर्पल ड्रॉप लूट लेता हूँ। रुको लेवल 2 हो गया भाई, अगर हो सके तो इसको फटाख से लेवल 3 भी कर लेता हूँ मैं। लेवल 3 हो चुका है, रिजेन मैंने डाल दिया है, अभी कहीं तुम लोग जाके किसी को भी यहाँ पे मार सकते हैं फटाक से जो ना कि जिस वाले ब्रोंटो का मैं गेम बजा के अभी निकल लेता हूँ। एलोसोरस को मार दे यार उस स्टेगोसोरस ने, एलोसोरस का गेम बजा डाला भाई सीधा। ये ले मर जा भाई मर जा, हेवी गो। चलो गाइस ये एलोसोरस को जो ना कि अपन लोग जान से मार देते हैं भाई। यहाँ पे काफ़ी सारे रेड ड्रॉप दिखाई दे रहे हैं मेरे को, अब बेस क्या बगो बेस क्या बगो बेस क्या पेल डाल इसको। आर्मी तो गाइस मैं लेके नहीं जाने वाला हूँ गाइस अभी फिलहाल के लिए भाई, 600 मीटर दूर एक और ड्रॉप लूटा पा बंदे ने। मैं जा रहा हूँ गाइस मैं जा रहा हूँ देखने के लिए कौन है भाई, कौन है वहाँ पे 600 मीटर दूर भाई। उसको तो मारना बनता है भाई, उसको तो मारना बनता है। रुको उनको देखने दो कौन से बंदे ने गाइस यहाँ पे ड्रॉप लूटा है। थाइलो मिल जाता ना तो मजा आ जाता, बट थाइलो को लो कि भाई कोई नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा मुझे। कहाँ पे वो बंदा 600 मीटर दूर ना, बंदा होना तो ही कहीं पे चाहिए। हो रहा थेरी के साथ है, थेरी और लेवल 1 का बियर है उस पर। ठीक है रुक अपने पास लेवल 3 का बियर है। ऑलराइट गाइस अपने पास लेवल 3 का बियर है भाई, इजीली हो जाएगा, इजीली इसका गेम बजा देंगे अपन लोग। ओके आराम से चलो, थेरी पे बैठा हुआ है। ठीक है वो थेरी पे बैठा हुआ है, आ जाओ इसकी गेम बजाने का कोशिश करते गाइस हम लोग, इसके गेम बचाने का कोशिश करते हैं अपन लोग। कमॉन ब्रदर कमॉन, किधर अरे है किधर बेटा देख किधर, क्या रे सारे ड्रॉप लूटते जा रहा है, कह रहे तू सारे ड्रॉप लूटते जा रहा है ना। रुक जा बक बेस क्या, लाड़ में आया मेरे बियर को मारेगा और भाई बच जाएगा यहाँ पे भाई। इसकी आर्मी भी ढेल दी और इसको भी ढेल दिया भाई। चलो लेट्स गो बॉयज, इस बार मेरा एम जोड़ा गाइस वो परफेक्टली लगा यार उसको, मुझे लगा भाई ले मेरे कंपाउंड वो का एम लगेगा नहीं, बट लकीली गाइस मेरे कंपाउंड वो का एम जोड़ा गाइस उस बंदे को लग गया और उसकी जोड़ा गाइस पेडी बन गई। बियर ने अपने काफी ज्यादा अच्छा काम करा गाइस यहां पे। अबे चल ना भेज गया, हां बस मुझे थाइलो कोलो नहीं मिल पाया और अभी जाके मैं थाइलो कोलो को ढूंढ भी नहीं सकता क्योंकि वो जोन के बाहर जा चुका है। बट गाइस हम लोग जाके जो ना गाइस एक बॉस को जरूर से टेम कर सकते हैं, हमारे पास इतने पॉइंट जो ना गाइस वो है कि हम लोग जाके। अबे यहां पे भी हो गया रे तुम बेस के, कहीं पे भी पीछा नहीं छोड़ते हो ना तुम लोग मेरा भाई, ये हराम ही जो है ना गाइस भाई। ये लो मेरे को 600 पॉइंट मिल गए गाइस, ये देखो सामने की तरफ भाई 600 पॉइंट मेरे को दिखाई दे रहे हैं और बियर का डैमेज भी काफ़ी तगड़ा होता है रे, ऊपर से लेवल 3 का था तो वो बंदा जो ना गाइस खास कुछ मेरे सामने कर नहीं पाया। चलो आज अभी फटाफट से गाइस यहाँ पे 600 पॉइंट जो ना गाइस जो जमा कर लेते हैं, जो कि मुझे यहाँ पे ये ब्रोंटो बिंटो को मार के इजीली मिल जाएंगे 206 पॉइंट। मैंने वहाँ पे एक ब्रोंटो को मारा उसको मारने से मुझे 175 पॉइंट मिले और इसको मारने से 206 पॉइंट, ये कुछ लॉजिक समझ में नहीं आया मेरे को भाई, समझ में नहीं आया भाई यार। यहाँ पे कुछ ब्रोंटोज को मारने से कम और कुछ को मारने से ज़्यादा पॉइंट मिल रहे हैं, व्हाट इज दिस बिहेवियर ब्रो भाई। तुम घूम के आने तक तो भाई काम 25 हो जाएगा भाई इसका। भाई जोन आ रहा है मेरे को जल्दी से करना पड़ेगा भाई, जल्दी से मार दे इसको, जल्दी से मारना पड़ेगा। 200 पॉइंट का सवाल है गाइज, 800 पॉइंट हो चुके हैं, अपन लोग छोटी सी आर्मी बना लेंगे गाइस अपनी। 1400 मीटर दूर एक देत हुई है और 1400 मीटर दूर तो मैं नहीं जाने वाला भाई अभी तो। भाई ब्रूड मदर किसी ने टेम कर लिया ना तो मैं ड्रैगन टेम कर लूँगा भाई। 1000 पॉइंट हमारे पास आ चुके हैं
फटाफट से जिस वाले ब्रोंटो की पेटी बना के मैं सीधा कैसे भी निकलने वाला हूँ यहाँ पे ब्रूड मदर को टेम करने के लिए। अबे रुक जा भाई अंकल। हाँ ठीक है चलो आ जाओ, गेम बच गया, आ जाओ चलो। पहाड़ी एरिया में भाई बियर को चलाना जो है ना भाई बहुत ज़्यादा बड़ा जो है ना चैलेंज होता है, सो थोड़ा सा संभल के भाई इसको चलाना पड़ेगा। बाकी मुझे लग रहा है चार चार गीगा में से कोई तो एक जो है ना गाइज किसी ने तो टेम करा होगा, सो एंड जोन में जो है ना थोड़ी सी दिक्कत हम लोग को हो जाएगी चार चार गीगा में से अगर कोई हुआ तो गाइज यहाँ पे डायनो। ठीक है बाकी तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाओ चलो भाई चलना भाई जल्दी, भाई स्पीड ही नहीं पकड़ रहा यार भाई। ये पहाड़ी एरिया में जो ना गाइज ये बियर का यही चिन्ह होता है बाबा, ठीक है ये स्पीड ही नहीं पकड़ता एंड इस रीजन से जो ना गाइज बैंड बच जाती कभी कभी। भाई चल ले यार, नहीं यार जरा सा भी गाइज एकदम ऐसा ढलान बिलान आ जाता है ना तो अपने मोमेंटम ही छोड़ देता है गाइज। ले भाई ऊपर से यहाँ पे पत्थर भाई इतने सारे पड़े हुए क्या बताऊँ मैं आपको। 800 मीटर दूर एक ड्रॉप है ब्रूड मदर के पास, वो मैं उसी को डेम करने के लिए जा रहा हूँ, मैं उसी को डेम करने के लिए जा रहा हूँ। ब्रूड मदर को डेम करके डायरेक्टली ड्रॉप का इंतजार करते हैं। ये अंकल जी कौन है भाई, ये अंकल जी कौन है जो यहाँ पे अपने रिक्स को लेके जा रहे हैं भाई मस्त बेकिंग। भग गया भाई वो बंदा, भग गया क्या, नहीं भगा गई जो वो भगा नहीं है, पता नहीं वो क्या कर रहा भाई, क्या कर रहा भाई तू नंगू पंगू है ना भाई, पेटी भाई सीधा पेटी भाई। ये क्या क्या डायनो लेके घूम रहे गाइस ये लोग, ये क्या क्या डायनो लेके घूम रहे समझ ना आ रहा मेरे को। मैं जा रहा ब्रूड मदर को डेम करने के लिए क्योंकि ब्रूड मदर तेरे भाई की है खाली, ठीक है उसके ऊपर किसी और का कब्जा है ही नहीं बाबा। ठीक है ब्रूड मदर एक बार टेम कर डाली ना तो एकदम फुल टू मज्जानी लाइफ हो जाएगी अपनी। रुको ब्रूड मदर धर लेता हूँ मैं, ठीक है भाई पांच भाई भाई डायनोस को और दो बंदों को फेल चुका अभी तक मैं भाई। पैसिव रहने का रे, हाँ पैसिव रहने का चुपचाप, ठीक है आन दो बाकी तो भाई आप ड्रॉप शॉप को आन दो, देखता ड्रॉप में से क्या निकलता, क्या निकला रोल राइड। यार रोल राइड वेज है ना एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक डायनो तो है। ओ ड्रैगन भी टेम कर लिया बंदों ने उधर, उन्होंने ड्रैगन टेम कर लिया वहाँ पे, दैट्स कूल। ड्रैगन वाला बंदा मेरे से पंगे लेने आ रहा क्या, ना लग तो ना रहा वैसे। आ जा रोल राइड अंकल आ जाऊँ भाई, ड्रैगन टेम कर लिया उधर एक बंदे ने, मार दे भाई। ये बंदा किधर भग रहा है। मुझे लगा ड्रॉप ले लेगा भाई। बड़े बंदा जो ना जो भगे जा रहा है। टारगेट दे दूँ क्या ब्रूड मदर को, जरूरत तो नहीं है मेरे को लग रहा है जरूरत नहीं ब्रूड मदर को टारगेट देने की यार, बेचारा गाइस भाई अपनी छोटू सी भाई आर्मी लेके घूम रहा था भाई टारगेट देने की जरूरत थोड़ी पड़ी। चलो आज वैसे ही चलते हैं, एक थ्योरी मिल रहा है गाइस हम लोग को तो थ्योरी को गाइस कब्जे में ले लेते हैं क्योंकि थ्योरी गाइस सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। टाइटन ने मेरे को दिक्कत तो दी थी काफ़ी ज़्यादा, टाइटन ने जो ना जब मैंने चार चार टेम करा था उस वाले गेम में दिक्कत तो दी थी, सो थोड़ा सा टाइटन से जो ना गाइस दूर ही रहना है मेरे को। ओके एंड गेम में जो ना बियर भाई अभी काम आएगा, चलो बियर के ऊपर बैठ के ना उस टाइटन की जो ना गाइस जी तोड़ देंगे हम लोग। ओके आ जाओ चलो, लेवल 3 का कर दिया लग रहा है मेरे को उस बंदे ने टाइटन को, ना लेवल 3 का तो नहीं करा, लेवल 1 का ही है स्टिल, इट्स लेवल 1 एंड ठीक है ब्रो। येल्लो टीम क्या, हाँ येल्लो ही टीम, येल्लो डेडी फेल्लो भाई टीम। ये भाई रोल राइड वहाँ किधर, वहाँ भाई रोल राइड क्या कर रहा उधर, अटक गया क्या कहीं पे। ए रोल राइड ना तू ना भाई एकदम, तो भाई रुको रोल राइड जो है ना गाइज वो भाई बोझ है यार अपने ऊपर, रुको गाइज। हाँ देखो भाई इसको भाई वो तो नहीं आता चलाना, इसके ऊपर अगर हम बैठ के करें ना, इसको बैठ के चलाएं ना तो ये भाई काफ़ी अच्छे से चलता है, पता है आपको इसके ऊपर बैठ के अगर इसको चलाएं ना तो भाई एक नंबर डायनो है भाई। मेरे भाई बियर को ना भाई एक दो पटकों में उड़ाया था रोल राइड ने, और हाँ उसकी मूवमेंट स्पीड गाइज वो करनी पड़ती है, इंक्रीज करनी पड़ती है। ये बंदे ने टाइटन टेम करके दिमाग तो लगाया है, ठीक है बंदे ने टाइटन टेम करके दिमाग तो लगाया है बट इतना भी ज़्यादा नहीं लगाया कि भाई ये अपन से बच पाए।
ठीक है। इसका गेम तो मैं अकेले बजा डालूंगा। जरूरत ही नहीं है भाई, जरूरत ही नहीं है। हो गया काम 25। ये कुछ करे उससे पहले इसका गेम ओवर। रेडी टू टेम नहीं भाई, टाइटन को टेम नहीं करना है गाइस मेरे को, टाइटन को टेम नहीं करना बाबा। मारना है इसको गाइस, इसका गेम बजा डालना है। नाइस वन। चलो गाइस, मैंने इस बंदे के टाइटन की जो ना गाइस बैंड बजा के रख दिया है, जो ड्रैगन वाला बंदा था उसके। कम टू डैडी ब्रो। और थ्री जिनोसोरस लेवल 1 या 2 जितना भी हो रहा है हो जा। रोल राइड अंकल आप एक मिनट रुक जाओ, इसको पहले फेल डाल जो भी है नीचे। हाँ, उसके रीजन से हाँ वो नहीं आ रहा था ऑप्शन। दूसरा तेरा क्या सीन है भाई, लेवल 1। हाँ चलो अभी के लिए लेवल 1 कर लेता हूँ। अभी आप बोलोगे इतने पॉइंट क्यों जमा करके रख रहे हैं, मैं अगले वाले ड्रॉप का इंतजार कर रहा हूँ। मेरे को चाहिए गाइस यहाँ पे केकड़ा सिंह। अगर अगले ड्रॉप में मेरे को केकड़ा सिंह मिला ना तो मज्जानी लाइफ हो जाएगी यार, इसलिए मैं केकड़ा सिंह को ढूंढ रहा हूँ। ड्रॉप कहाँ पे आ रहा है, 800 मीटर दूर बोले तो जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहीं पे आ रहा है, जून के एज में एकदम बाहर। ठीक है, ये ड्रॉप को अपन को भाई किसी भी कीमत पे वो कर लेना है। ठीक है, ले लेना है। ओके आ जाओ। चलो ये टाइटन को टेम कर रहा है क्या, पता नहीं भाई टाइटन को टेम कर रहा है या क्या कर रहा है, बट इसके पास छोटू से आर्मी तो है भाई। चलो आ जाओ, पॉइंट जमा कर करके हम लोग जो है ना गाइस यहाँ पे जा रहे सीधा भाई। इसको मैं मार दूँ क्या, पॉइंट मिल जाएंगे। वैसे भी 100-200 पॉइंट के लिए क्यों मारूँ यार उसको भाई, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं जा रहा हूँ गाइस सीधा ड्रॉप के पास, मेरे को चाहिए गाइस ये वाला ड्रॉप। ठीक है, रोल राइड की भाई मूवमेंट स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो है रे, रोल राइड के एक्चुअली में मूवमेंट स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो है। आ जाओ रोल राइड अंकल। ठीक है, जोन के एज में रहेंगे भाई, जोन के बाहर ड्रॉप है क्या, पता नहीं रे बाबा जोन के बाहर ड्रॉप आने वाला है या क्या। हाँ, जोन के एज में आने वाला है, एकदम कोपचेवाड़ी में आने वाला है। रोल राइड आ तो रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा स्लोली आ रहा है भाई। ठीक है, अभी भगना भाई इसके क्या अंकलो। हाँ भाई, कौन आने वाला है, डायनो, कौन डायनो है, रॉक गोलेम। रॉक गोलेम को भाई बाहर निकाल, इधर ले क्या रॉक गोलेम को। ए भाई, इधर आओ तुम लोग, उसको अंदर तो आने दो। बाकी तो हम लोग देख लेंगे ना यार, इसको टेम कर लेंगे भाई अपन। मारने का क्या लोगे इसको भाई। मार दो। इसको लेवल 3 करना है क्या, इस रॉक गोलेम को लेवल 3 का कर देना है सीधा, क्योंकि रॉक गोलेम इज ओपी इज दा ब्रो। ठीक है, इधर आओ, फॉलो कर लो मेरे को। अरे मालिक को फॉलो कर लो। हाँ गोलेम सर, अभी आप रुक जाइए, इसको रिजन डाल दीजिए। गोलेम सर जी जो है ना गाइस, वो काफ़ी ज़्यादा काम के है भाई। ठीक है, लेवल 2 एंड कैन ना लेवल 3 अभी फ़िलहाल के लिए रॉक गोलेम सर जी जो है गाइस वो हो नहीं सकते, सो लेवल 3 इनको हम नहीं करते। ठीक है, लास्ट जोन है। सो ब्रूड मदर मैडम जी, एक काम कीजिए, आपके जो मिनियन है प्यारे प्यारे से, उनकी ज़रूरत हम लोग को बहुत ज़्यादा है, सो कृपया करके उन मिनियंस को स्पॉन कीजिए। ठीक है, जितने हो सकते उतने ज़्यादा मिनियंस स्पॉन कीजिए जी। ज़रूर भाई, जल्दी, जितने ज़्यादा हो सकते उतने ज़्यादा मिनियंस। और मिनियंस कितने मिनियंस है अपने पास, नहीं ज़्यादा नहीं आ सकते, वो पुराने वाले गायब हो जाते हैं, पुराने वाले मिनियन जो है जो गायब हो जाते हैं। ठीक है, हाँ आ जाइए, चलो फॉलो कीजिए अभी। हाँ लेट्स गो बॉयज, मिनियन मैंने स्पॉन कर रखे हैं। ब्रूड मदर इनकेस गाइज अगर मर जाती है तो हमारे पास हमारे मिनियन जो है गाइज वो रहेंगे। ऑलराइट गाइज, अपने पास मिनियंस रहेंगे अपने ब्रूड मदर के, और मैंने किल भी काफ़ी बढ़िया वाले निकाले हैं गाइज। गोलेम को लेवल 3 करने लायक जो है ना गाइज, मैं यहाँ पे पॉइंट जमा कर रहा हूँ। ये बाकी जोन का सीन क्या है, जोन तो बीचों बीच है यार, पहाड़ी के ऊपर जंगल के पार, वहाँ पे एक ड्रैगन घूम रहा है मेरे यार। ड्रैगन पंगा ले रहा है क्या, पंगा लेना है क्या तेरे को, माँ क्या मारो मारो भेज क्या जिसको, मारो मैं दिखता ही नहीं देखता भेज क्या तेरे। पैसिव बॉयज, वो बाद में कर लेना बेस क्या। ड्रैगन की भाई जी फट गई गाइस,
ड्रैगन की जीभ फट गई गाइस यहाँ पे। ठीक है, मेरे को ये बताओ कि रिजेन। ओके नाइस वन भाई। जोन क्या आ रहा है ये आज? क्या जोन के नशे चढ़े भाई? जोन को नशे चढ़े क्या? ये कौन सा ग्लिच है? ये कौन से ग्लिच में चल रही जिंदगी अपनी भाई? समझ ना आ रहा मेरे को। रिजेन डाल इसको भी। ए गोले मंकल, ऊपर से चढ़ के आने की क्या जरूरत है? साइड से घूम के आ जाते हैं ना बाबा। ये रोल राइड मर गया क्या? नहीं, रोल राइड भी जिंदा है अपना यार। रोल राइड भी जिंदा है। रुको, रोल राइड है किधर? हाँ अपने पास ही, अपने पास ही है। दिख नहीं रहा भाई। रिजेन करना पड़ेगा सबको गाइस। हाँ सबको रिजेन करना पड़ेगा। रुको आन दो गाइस। भाई जोन तो यहीं पे है और हम लोग को जो ना गाइस यहीं पे रहना है। जोन भाई, जोन के बाहर जोन है। ये क्या फालतू गिरी भाई? जोन के बाहर जोन भाई। मूविंग जोन डाल दिए हो क्या? फ्री फायर बना दिया क्या इसको भी? लग तो रहा है इस काइंड ऑफ कुछ ऐसे ही सीने लग रहा है। ये रोल राइड किधर है मेरी जान? रोल राइड है किसी कोपचे में बैठा हुआ है। दिख नहीं रहा हम लोग को। दिख नहीं रहा गाइस। हाँ दिख नहीं रहा। रुको रुको गाइस, एक काम कर ले, मिनियन बुला ले अपने थोड़े से। ठीक है, मैंने थोड़े और एक्स्ट्रा मिनियन बुला लिए क्योंकि मुझे लगा ड्रैगन अटैक से थोड़े से मिनियन मरे होंगे। और ड्रैगन की ना बैंड बची पड़ी है, फुल ड्रैगन की फुल बैंड बची पड़ी है। टेंशन नको लेने का। मेरे को एक काम कर लो। हाँ रॉकेट लॉन्चर रिलोड मारने दो भाई। ये विक्ट्री अपन की है भाई, विक्ट्री अपन की है। टेंशन नको लेने का। ये ले लो, रिलोड मार ले भाई, रिलोड मार ले गन। हाँ भाई चार्चा है क्या? चार्चा है इसके पास, चार्चा है, चार्चा है। कम ऑन, कंपाउंड बो, कंपाउंड बो, काम कर ले अपना। कम ऑन कंपाउंड बो, जमान क्या फालतू है कंपाउंड बो भाई? कंपाउंड बो सच में फालतू है। चल ही नहीं रही भाई। कम ऑन ड्यूड। ओह शिट, कम ऑन भाई। चार्चा तो मारा गया, कांड हो गए, लेकिन फुल फुल कांड हो गए भाई। मेरी आर्मी मारी गई। मेरे कंपाउंड वो वर्क ही नहीं कर रहे थे यार। रुको जोन के बाहर भाई लेके जाता हूँ इन लोग को। डैमेज पड़ेगा मैं भी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा डैमेज पड़ेगा ना, एक्स्ट्रा डैमेज पड़ेगा। आर्मर दे दे भाई, आर्मर दे दे। ठीक है, सारे के सारे जो ना कि इस मैमथ को पेल डाला भाई। पॉइंट नहीं मिल रहे क्या? नहीं मिल रहे। मार के फायदा नहीं है, मार के फायदा नहीं है, पॉइंट नहीं मिल रहे ज़्यादा कुछ। ठीक है, सो यहाँ पे कौन सा डायनो बचा हुआ है? पता नहीं यार कौन कौन से डायनो बचे। और मेरे पास इतने पॉइंट भी नहीं बचे कि मैं किसी डायनो को टेम कर सकूँ। ठीक है, स्पाइनर भाई यार ये बंदा थोड़ा सा दिक्कत देगा रे गाइस। मेरा वो बो ही नहीं चला यार, रिलोड ही नहीं हो रही थी बो यार। समझ नहीं आता है गेम का क्या सीन होता है रे सच में गाइस। मैं इरिटेट हो चुका हूँ भाई इस ग्लिच से भाई। मेरी बो जो है गाइस वो रिलोड ही नहीं हुई यार, रिलोड ही नहीं हुई। आप भाई ध्यान से देखना गाइस, ठीक है? उसके अंदर एमो जाने का नाम ही नहीं ला रही थी, एमो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी भाई। रिलोड ही नहीं हो रही थी भाई वो। क्या करूँ समझ ही नहीं आया बेस गैग भाई, क्या करूँ अभी? मैं कहाँ पे छुपूँ बेस गैग भाई? मैग्मा से कैसे बच पाऊंगा? मेरे पास कंपाउंड वो भी नहीं है। हे गाइस 300 में वो स्पॉन वो टेम हो जाएगा क्या लेवल 3 वाला? पता नहीं यार 300 में टेम होगा कि नहीं। मैं तो यहाँ पे छुपे रहता हूँ चुपचाप, पता नहीं इस बड़ी से आर्मी से कैसे बचूंगा। अबे तेरे को दिख गया क्या? मैं नहीं दिखा हूँ भाई, कर ले कुछ तो कर ले यार। 3 बंदे बचे हुए हैं, मार दो रहा है गाइस, ये मारने की कोशिश तो कर रहा है, बाकी और कुछ पता नहीं है, मारने की कोशिश तो कर रहा है। ठीक है, मैं भी वो डाल देता हूँ स्मोक बम। ठीक है, जोन जो है ना गाइस उसका मिड अभी डालो क्या? अभी नहीं डालता, रुको
अभी नहीं डालता गाइस, अभी नहीं डालता, अभी नहीं डालूंगा, रुको, अभी नहीं डालेंगे, थोड़े टाइम बाद डालेंगे हम लोग। ओके, जोन जब एकदम क्लोजिंग पे होगा ना तब डाल देंगे भाई। ये खुद को रिजेन रिजेन करे जा रहा है, करे जा रहा भाई। ठीक है, आराम से संभल के। यहीं पे जोन है, थोड़े से बचा के रख लेता हूँ भाई। यार पूरा खुले में जोन है भाई, बंदा टारगेट देके पेल देगा डायरेक्टली। एक काम कर लूँ, इसके नीचे खड़ा हो जाऊँ। ठीक है, इसके नीचे खड़ा हो जाता हूँ। जान दो भाई, जान दो, जान दो आराम से गाइस। भाई देखो आग बिक के गोले दे शोले भाई फेंक रहा गाइस यहाँ पे। ठीक है, जोन क्लोजिंग होगा तभी गाइस कुछ कर पाएंगे। अबे उड़ जा भाई, उड़ जा भाई, भाई उड़ जा भाई, आराम से भाई, हल्लू हल्लू छुपे रहना भाई मेरे को। और भाई और क्या चीज़ है, ये ग्रेनेड है भाई। भाई मेरे पीछे पड़ गए भेस क्या के लोग, पड़ गए मेरे पीछे, पड़ गए भाई, पीछे पड़ गए, पीछे पड़ गए भाई, पीछे पड़ गए यार। भाई कमॉन कमॉन, हीलिंग खा ले, हीलिंग खा ले भाई। टारगेट दे दिया यार सीधा जी भाई, डायरेक्ट ही बचे थे यार। गेम में से था अपना, बट चार चार आके थोड़ी दिक्कत दे दी यार। और मेरी कंपाउंड वो वहां पे चार चार को मारने के टाइम पर रिलोड ही नहीं हो रही थी भाई, रिलोड ही नहीं हो रही थी। रिलोड होती ना काश कंपाउंड, वो रिलोड होती भाई काश। ठीक है, तो भाई वो चार चार अभी ना मरा होता और अपने आर्मी में से कुछ डायनो बचे होते हैं, काश रिलोड हो पाती वो, बट वो हुई नहीं। लेकिन किल हमने काफी बढ़िया करे गाइस। ठीक है, हम लोग ने जो है ना गाइस यहाँ पे टोटल भाई 3 किल करे और 12 डायनोस को मारा, तो गेम तो अच्छा गया बट जीत नहीं पाए गाइस हम अनफॉर्चुनेटली। और हमारे पास एंड में रिसोर्सेज भी खास कुछ बचे नहीं थे गाइस, जिससे हम लोग इन बंदों को ना मार सके। अगर रॉकेट लॉन्चर के आमो या फ्लेम थ्रोर बचा होता तो कुछ कर पाते, बट वो भी नहीं बचे थे। कोई ना, चलो गाइस अच्छा गेम गया। बाकी आपको कैसे लगा गेम नीचे कमेंट करके बताना, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलता है अगली वीडियो में, बाय बाय गाइस, सी यू लेटर।